हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे एक और ब्लॉग में। अभी हम जा रहे हैं अपने स्कूल CHS में, तो आपको मैं अपना स्कूल दिखाने वाला हूँ कि हमारा स्कूल कैसा है, क्या है। आपको बता दें कि हमारा स्कूल का जो एक अलग से ऐतिहासिक स्कूल है, हमारा स्कूल का जो एस्टेब्लिशमेंट था वो 1898 ईस्वी में माता रानी वेसेंट के द्वारा किया गया था। चलिए, हमारे स्कूल से जुड़ी और भी जानकारी मैं आपको आगे स्कूल में आपको दूंगा। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ से हमारा स्कूल पास में ही है, तो हम लोग पैदल ही जा रहे हैं स्कूल। मतलब अभी खेलने का टाइम है तो सब लोग खेलने जा रहे हैं, तो मैंने सोचा खेलने जा रहा हूँ तो साथ में मतलब वहाँ पर ब्लॉग भी बना लेंगे और खेल भी लेंगे। बच्चों को फ्री में ट्रीटमेंट होता है। फाइनली अभी हम लोग अब स्कूल में आ चुके हैं, तो ये हमारा स्कूल है। आप देख सकते हैं इधर से हमारा एंट्री होता है, सामने से गेट है इधर, और इधर प्लेग्राउंड है, बाकी एकेडमिक्स वगैरह इधर चलते हैं, और ये केमिस्ट्री लैब है, रसायन विज्ञान। और मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पर, देख लीजिए क्या है। द फर्स्ट ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड हेयर फ्रॉम 26th to 30th December 1930, यानी कि 1930 में यहाँ पर एशिया का पहला एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुआ था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो स्कूल है ये एक ऐतिहासिक स्कूल है। आपको बता दें ये सामने में है, ये केमिस्ट्री लैब। इस स्कूल का जो स्थापना हुआ था वो 1898 ईस्वी में माता रानी वेसेंट के द्वारा किया गया था। देखिए, जब इसका स्थापना हुआ था तो इसका नाम था सेंट्रल हिंदू कॉलेज, लेकिन फिलहाल इसे सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल बना दिया गया है। BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो पहला क्लास है वो यहीं पे चला था, सेंट्रल हिंदू कॉलेज में। जब पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना किया, तब माता रानी वेसेंट ने इस स्कूल को उनके अंडर में सौंप दिया था। तो क्या हुआ था कि जब BHU 1916 में बन गया था, उसके बाद से क्या हुआ, ये सेंट्रल हिंदू कॉलेज था, ये सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल बन गया, और जो एक और गर्ल्स स्कूल था वो सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल बन गया। ये आपको बता दें कि यही है माता रानी वेसेंट, माता रानी वेसेंट का प्रतिमा लगाया गया है। जैसे विद्यालय के अंदर आएंगे तो उसके आगे है यहाँ पे माता रानी वेसेंट का प्रतिमा, और सामने जो आपको दिख रहा है पीछे रानी वेसेंट के पीछे जो बिल्डिंग्स वगैरह दिख रहे हैं वो अकेडमिक्स वगैरह 11th क्लास और 12th क्लास का, साथ ही साथ इधर कंप्यूटर लैब भी है। तो आप देख सकते हैं सामने जैसे गेट से आएंगे तो वैसे ही आप पहले यहाँ पर माता रानी वेसेंट का प्रतिमा लगा हुआ है, इसके पीछे मैंने जैसे बताया कंप्यूटर लैब वगैरह और 11th क्लास का एकेडमिक्स वगैरह भी इधर ही चलते हैं। बाकी आपको बता दें कि ये जो है इधर प्रिंसिपल ऑफिस है, तो इधर पूरा ऑफिस वगैरह है, और साथ साथ टीचर्स के लिए मतलब स्टाफ रूम वगैरह भी सब इधर ही है। देख सकते हैं यहाँ पे प्रतिमा वगैरह, और भी ये प्रिंसिपल का ऑफिस है सामने से, और देख सकते हैं CCTV कैमरा भी लगा हुआ है इधर। बाकी इधर आप जाएंगे सामने तो इधर हॉस्टल्स वगैरह है, साथ ही साथ 9th 10th का एकेडमिक्स भी इधर चलता है, और इस बिल्डिंग में आप देख रहे हैं तो इस बिल्डिंग्स में भी क्या है, इधर भी 11th का ही चलता है, मेनली 11th का इधर चलता है, बाकी कुछ था जो मैंने आपको पीछे बताया इधर 11th 12th का चलता है। और मैं बता रहा था क्या कि 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना हो गया था, उसके बाद यहाँ पे बॉयज स्कूल चलने लगा, और बगल में उधर गर्ल्स स्कूल है, तो तब से इधर ये स्कूल बन गया और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी के क्लासेस वगैरह चलने लगे। ये माता लक्ष्मीबाई का पिक्चर आप देख रहे हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद। और ये है हमारा
लाइब्रेरी है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा लाइब्रेरी है, और ये लाइब्रेरी भी एक ऐतिहासिक लाइब्रेरी है। आप देख सकते हैं लाइब्रेरी का नाम है द काशीनाथ त्रिम्बक तेलंग लाइब्रेरी। ये भी एक मतलब हिस्ट्री है, कभी आप गूगल पे सर्च कीजिएगा। इसका जो स्थापना हुआ था लाइब्रेरी का 1912 ईस्वी में हुआ था। आपको बता दें कि जो पूरा जो स्कूल है, ये मतलब बनारस के कोई राजा वगैरह थे, उन्होंने जमीन वगैरह दान दिया था, तो माता रानी बेसेंट ने यहाँ पे स्कूल बनाया था। बाकी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी जो देख रहे होंगे, इसका जो बनावट है सब मतलब पुराने डिजाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर है। और पीछे उधर भी बिल्डिंग्स वगैरह है, तो उधर मतलब पीछे का जो बिल्डिंग है उधर टीचर्स वगैरह थे, और इधर जो इधर जाते हैं तो इधर भी बिल्डिंग वगैरह है। तो इसको मतलब हम लोग मेनली इसको बोलते हैं छोटी बिल्डिंग, क्योंकि सबसे पुराना सबसे पहले जो CHS बना था तो उसका जो मेन बिल्डिंग था वो इधर था। बाकी ये सब जो अभी दिखाया ये सब बाद में बना था, लेकिन शुरुआत में यही था। तो इसको हम लोग छोटी बिल्डिंग बोलते हैं। और इधर आपको बता दें जब आप CHS में एडमिशन लेते हैं तो 6 से 8 तक की जो क्लासेज हैं वो इधर ही चलती हैं। और इधर हमारा कैंटीन है, और ये हमारा कृषि प्रयोगशाला यानी कि इधर है हमारा एग्रीकल्चर लैब है। एग्रीकल्चर का जो क्लासेज है वो भी इधर ही चलता है। इधर मैं बता रहा था ये छोटी बिल्डिंग है, इधर 6 से लेकर 8 तक का क्लासेज वगैरह चलता है। क्लासेस वगैरह है लेकिन अभी सब बंद चला। ये सब पुराने जमाने का, देखा तो सब पुराना यहाँ पर जो बनावट वगैरह है सब पुराना। यहाँ पर कबूतर वगैरह भी आ रहे हैं। सही है यार, खाली है तो लोग भी अपना घर बना लिए हैं। तो अभी तो कुछ खास है नहीं, अभी सब बंद है क्लासेस वगैरह भी। अब देखना चाहें तो ये खुला हुआ है, तो अभी तो अंधेरा है। मतलब पुराने स्टाइल का, मतलब यहाँ पर जो स्मार्ट बोर्ड वगैरह भी नहीं है। अभी भी यहाँ पर चौक से ही लिखा हुआ है, पढ़ाया जाता है। तो इस तरह का कुछ क्लासेस वगैरह आप देख सकते हैं। जो शुरुआत के जो बच्चे नए बच्चे जो एंट्रेंस के थ्रू आते हैं तो उनका क्लासेज इधर से ही स्टार्ट होता है। बता दें कि यदि आप ऐसे CHS में एडमिशन लेना चाहेंगे तो नॉर्मली आपको सीधे CHS में एडमिशन नहीं मिलता है, उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम पास करना होता है। क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। लेकिन क्या था, अभी पिछले 2-3 सालों से एंट्रेंस एग्जाम हो नहीं रहा है। क्लास 6 और 9th के बच्चों का सिलेक्शन लॉटरी के थ्रू हो रहा है, और क्लास 11th के बच्चों का सिलेक्शन जो रहा है वो मेरिट बेस्ड हो रहा है, यानी कि क्लास 11th के मार्क्स के बेसिस पे हो रहा है। अभी एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो रहा, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे जो एडमिशन है वो एंट्रेंस एग्जाम से ही होता है। ये जो स्कूल है सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, ये मैं अभी बॉयज स्कूल में आया हूँ। ये मेनली ये जो संचालित किया जाता है ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा संचालित किया जाता है। इसमें जो भी चीज़ होता है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के देख रेख में होता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसे आप BHU के नाम से भी जानते हैं, तो ये जो CHS है ये BHU के अंदर ही आता है। इसमें जो भी सारी चीजें हैं वो सब BHU भी देखता है। बाकी मतलब इस बिल्डिंग के बच्चों को पीने के लिए यहाँ पर वाटर प्यूरिफायर और कूलर का पानी भी आता है। यहाँ पर ठंडा पानी आता है। हुआ है बहुत ही प्रेरणादायक कविता है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती।
पूरा इसमें लिखा है ताकि बच्चे पढ़े और मोटिवेट रहे, इसको समझकर मोटिवेटेड रहे। बाकी आपको बता दें कि ये जो बिल्डिंग है ऊपर में इधर, ये जो आप देख रहे हैं सीढ़ी से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर में बायो लैब है, बायोलॉजी लैब है। साथ ही साथ ऊपर में आपको बता दें कि सबसे बड़ा हॉल सारगा हॉल भी यहीं पर है, इसी बिल्डिंग में ऊपर में सारगा हॉल है, जहाँ पर CHS का काउंसलिंग वगैरह, एडमिशन के जो काउंसलिंग वगैरह है वो भी यहीं होता है। और एक और चीज़ आपको बता दें कि जो CHS का जो लैब है, केमिस्ट्री लैब और फिजिक्स लैब, आपको बता दें कि पूरे पूर्वांचल में स्कूल लेवल पे सबसे बड़ा लैब है। साथ ही साथ CHS का जो प्लेग्राउंड है, जो आप प्लेग्राउंड देख रहे हैं, ये भी पूरे पूर्वांचल में स्कूल लेवल पे सबसे बड़ा प्लेग्राउंड है। और इधर ये देख लीजिए NCC का बोर्ड इधर लगा हुआ है। और एक और चीज़ आपको देखिए, इस फील्ड में क्या कि एक फुटबॉल ग्राउंड है, उधर उधर आपको बास्केटबॉल कोर्ट है और वॉलीबॉल कोर्ट भी है, साथ ही साथ खो खो भी होता है, कबड्डी भी होता है, तो सारे गेम्स वगैरह होते हैं। साथ ही साथ उधर जिम वगैरह भी है, और इधर मालवीय कोर्ट वगैरह लिखा हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पर विचार लिखे हुए हैं कि जो तुम्हें बुरा लगता है उसका प्रयोग दूसरे के लिए मत करो। इसी तरह आपको जगह जगह बोर्ड पर ऐसे दिख जाएंगे। साथ ही आप देख सकते हैं ग्राउंड है, और इधर ये हमारे मालवीय जी का प्रतिमा है, और पीछे में जो आप देख रहे हैं जो वो है सारगा हॉल। और साथ ही साथ जो नीचे में बिल्डिंग्स वगैरह देख रहे हैं, तो इधर मैंने बताया था कि 11th की क्लासेस वगैरह इधर ही चलते हैं। और ये हमारा रहा, ये रहा हमारा प्लेग्राउंड। अब देख सकते हैं ये मतलब पहले तो फुटबॉल कोर्ट है, फिर जब उधर देखेंगे, मैं शायद आपको दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ, उधर बास्केटबॉल कोर्ट और वॉलीबॉल कोर्ट सब उधर ही है। और इधर मेनली मतलब 9th-10th का क्लासेस वगैरह इधर चलता है। वगैरह है और इधर ही है, मतलब इधर ही 9th-10th, ऊपर 9th, नीचे 9th, मतलब दोनों मिलाकर 9th-10th की क्लासेज इधर चलते हैं। और यहाँ को तो यहाँ पर एक ड्राइंग हॉल है और एक क्राफ्ट हॉल है, नीचे में क्राफ्ट हॉल है और ऊपर में ड्राइंग हॉल है। आपको दिखा दे क्या है, इसका नाम है राधा कृष्ण क्राफ्ट हॉल। नीचे वाला क्राफ्ट हॉल है और ऊपर वाला ड्राइंग हॉल है। और आगे जो इधर आप देख रहे हो उधर वो जिम है, और इधर पानी वगैरह पीने के लिए, बच्चों के लिए पानी पीने के लिए है। साथ ही मैंने बताया था बास्केटबॉल कोर्ट, तो इधर बास्केटबॉल कोर्ट है और वॉलीबॉल कोर्ट भी है, और इधर ही कबड्डी वगैरह खो खो वगैरह इधर ही होता है। और ये एक हनुमान जी का मंदिर है स्कूल प्रांगण में। और इधर हमारा क्रीड़ा परिषद यानी कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हमारा इधर ही है, इसलिए इधर जिम वगैरह हर चीज़ें इधर है। और आगे हॉस्टल है, तो अभी हमें मना किया गया है कि हॉस्टल की तरफ नहीं जाना है, तो मतलब हॉस्टल के अंदर तो अभी नहीं जा पाएंगे क्योंकि अभी उधर अलाउड नहीं है, लेकिन मैं आपको इधर से ही दिखा देता हूँ। बाकी हॉस्टल के वीडियोज़ हमारे चैनल पे पड़े हैं, बाकी कभी और मैं कोशिश करूँगा कि हॉस्टल में जाने का मौका मिले तो उसका भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूँगा। देख सकते हैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है क्रीड़ा परिषद सेंट्रल हिंदू स्कूल, और इधर ही है हमारा हॉस्टल। कुछ ज़्यादा ही हमारे स्कूल में कुछ ज़्यादा ही पेड़ पौधा है, ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि जो वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, उस पर ध्यान दिया जाता है, कोई भी इधर उधर ना हो। और इधर है फाइनली हमारा इधर हॉस्टल है, तभी हॉस्टल आप देख रहे बंद है और हमें अंदर जाना अलाउ भी नहीं है, लेकिन खुला रहता तो ज़रूर जाते। तो ये हमारा हॉस्टल था और ये सारी चीज़ें थी, ये हमारा स्कूल था। फुट राइटिंग होता तभी रमन हाउस का बारी था, तो रमन हाउस ने इसको लिखा और ये चित्र को रमन हाउस के बच्चों ने ही बनाया है, ताकि न्यूज़ वगैरह लिखना होता जो भी इम्पोर्टेंट हो।